गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे कबूतरों के डड़बे में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो बीट के अंदर जब हम सफाई करते हैं तो बहुत सारे निकलते हैं, तो उनको ख़त्म कैसे किया जाए, तो आज मैं आपको यही बताऊँगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं डड़बे की सफाई करूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा आपको कैसे कीड़े हैं। तो अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उनको मारना है, मतलब मारना नहीं है, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको जिसकी वजह से वो सारे गायब हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। वो कीड़े जो होते हैं, वो जो हमारे छोटे छोटे कबूतरों के बेबीज होते हैं, उनको दिक्कत भी पहुंचाते हैं, तो इसी वजह से कबूतर के बच्चे मर भी जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए मैं आपके लिए एक तरीका लेके आया हूँ, तो मैं आज आपको इसी वीडियो में वही दिखाऊँगा। तो चलो दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये है वो डीजल जिससे ये कीड़े मर जाएंगे, और इसकी स्मेल से एक भी कीड़ा डड़बे में नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक दिखाई देता हूँ बट ट्राई करके। अभी मैंने ट्राई किया, स्प्रे मारा था, यहाँ पे स्प्रे किया था, देख रहे हो आप कीड़े कैसे मर गए हैं सारे। इसकी वजह से ये कीड़े एक भी नहीं दिखेंगे। अभी आपको दिख ही रहे हैं कुछ कुछ कीड़े, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इससे क्या होता है ना, जो इसकी स्मेल होती है ना, वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से सारे कीड़े भाग जाते हैं, ऑटोमेटिक मर भी जाते हैं वो, और ये आएंगे नहीं इसके बाद। अभी मैं करूँगा डड़बे की सफाई, तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो। अभी मैं बच्चों बच्चों को सबको बाहर निकाल के डड़बे की करता हूँ सफाई, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे। आप देख ही रहे हो कैसे मर गए हैं सारे, ये रहे। तो आप इसको पेट्रोल पंप से ला सकते हो, और ऐसा ये स्प्रे आता है जो ये मार्केट में मिल जाएगा आपको 15-20 रुपए का, ये लगा के आप ऐसे स्प्रे कर दो, सारे कीड़े मर जाएंगे। देखो ये देखो सारे मर गए। तो अभी करता हूँ डड़बे की सफाई, फिर पूरे डड़बे में आपको करके दिखाता हूँ स्प्रे। तो हे गाइस, कर दिया डड़बे की सफाई, ये देखो सारे डड़बे साफ कर दिया पूरा, और सारे खनों में हमने डीजल भी छिड़क दिया है, अब एक भी कीड़ा नहीं है। और टाइम भी ज़्यादा हो गया गाइस, बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है दड़बा साफ करने में। अब मैं पूरे दड़बे में ये छिड़क रहा हूँ, ये भी ख़त्म हो गया, देखो आप पूरा भरा हुआ था ना, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से पूरे दड़बे में ऐसे ऐसे छिड़क दो थोड़ा थोड़ा, इसकी स्मेल से ना सारे भाग जाएंगे कीड़े। तो गाइस सारा खत्म हो गया है, देख रहे हो मेरा कीड़ा, ये वाले कीड़े भी मर गए इससे, अब ये मर जाएगा थोड़ी देर में। और बारिश भी आ गई सफाई करते करते, ये देखो सारे कबूतर नहाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी बारिश, बहुत टाइम हो गया मेरे को, कम से कम भी 1.5 घंटा हो गया साफ करते करते, बहुत मेहनत लगी है। और ये वाली पेटी हमने हटा दी है, क्योंकि उन्होंने दोनों खन बना रखे थे, मद्रासी का जो जोड़ा ऊपर रहता है उधर, तो इसलिए हमने ये पेटी हटा दी यहाँ से। और अभी कबूतर बाहर है सारे, इनको नहाने दो, ये नहाएंगे आराम से अभी, उसके बाद इनको करते हैं बंद और फिर दाना घेरेंगे। देखो अंदर आने के लिए कैसे कर रहे हैं, तो अभी इनको हम बाहर रहने देते हैं, थोड़ा नहा लेंगे, नहाए भी नहीं है। सारे छुप गए हैं इधर, ये अंदर आ गई है। तो गाइस इतनी मेहनत की है मैंने, तो यार एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, जिससे आपकी भी मदद हो, और
प्लीज़ सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।